सभी सारथी मित्रों को मेरा नमस्कार। दोस्तों मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं, जो वाकया मेरे साथ घटा है उसके बारे में। मैं 17 तारीख को पचकुइयां रोड के बग्गा लिंक सर्विस स्टेशन के सीएनजी पंप पर जो है लाइन में लगा हुआ था। वहां पर पेटीएम का रिप्रेजेंटेटिव मेरे पास आता है और मुझसे पूछता है कि जी आप पेटीएम यूज़ करते हैं? मैं कहा जी हाँ करता हूँ। बोले जी आप किससे करते हो, मोबाइल से या क्यूआर कोड से? मैं कहा जी इस समय मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, क्योंकि क्यूआर कोड जो है मेरे पहली गाड़ी पर, मैंने गाड़ी को सील कर दी है तो उसके साथ चला गया। बोले कोई बात नहीं, हम आपको दूसरा क्यूआर कोड जो है प्रोवाइड करा देते हैं। मैं कहा बहुत अच्छी बात है। वो गाड़ी में बैठ गया और उसने मुझे क्यूआर कोड जो है प्रोवाइड कराया, सिर्फ मेरा मोबाइल नंबर पूछा और कोई भी डिटेल उसने मेरे से नहीं मांगी। क्यूआर उसके बाद में जो है एक ओटीपी आया, वो ओटीपी मैंने उसको बताया। वो वेरीफाई करने के बाद में उसने जो है मेरा मर्चेंट अकाउंट जो है क्रिएट कर दिया। मर्चेंट अकाउंट क्रिएट करने के बारे में उसने मुझे कुछ नहीं बताया कि मैं आपका मर्चेंट अकाउंट बना रहा हूँ या वैलेट अकाउंट बना रहा हूँ। वैलेट अकाउंट तो ऑलरेडी 3 साल पुराना मेरा है ही है। उसके बाद में जो है 18 तारीख को जो है रात को 11:53 पर मैंने उस क्यूआर कोड से 180 रुपये की पेमेंट भी रिसीव की। पेमेंट रिसीव होने के बाद में वो पेमेंट मेरे वैलेट में शो नहीं हुई। मैसेज ज़रूर आया कि जो है पेमेंट मेरे अकाउंट में आई है, लेकिन जो है मेरे वैलेट में शो नहीं हुई वो। उसके बाद में मैंने पेटीएम केयर में जो है अपना कॉल किया। कॉल करने के दौरान जो है मुझे बताया गया जी 24 से 48 घंटे में ये पेमेंट जो है आपके अकाउंट में आएगी। वो पेमेंट उन्होंने मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र भी की 20 तारीख को, लेकिन उस अकाउंट में ट्रांसफ़र की जो 1.25 साल पहले मैं अकाउंट बंद करा चुका हूँ। आप उनसे कोई ये पूछे कि जो है 1.25 साल पहले जो अकाउंट बंद हो चुका है उसके अंदर आप पेमेंट कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं? दूसरी चीज़, उसके लिए जद्दोजहद चलती रही। 21 तारीख को जो है मैंने अचानक अपना वो पेटीएम की ऐप खोली। ऐप खोलने के बाद में मैं उसके अंदर डिटेल्स चेक कर रहा हूँ। डिटेल के अंदर सिर्फ नाम मेरा है, मोबाइल नंबर मेरा है, पैन नंबर किसी और का है, एड्रेस किसी और का है, ईमेल आईडी पेटीएम की है, एड्रेस हिमाचल प्रदेश का दे रखा है। ये इन्होंने पूरी फ्रॉडबाजी की हुई है, जो कि मेरे से किसी किस्म की भी कोई डिटेल मेरे से नहीं मांगी गई। उसके बाद में जो है 27 तारीख को जो है 7:26 पर मेरे पास पेमेंट रिसीव हुई है, मुझे मेरे दूसरे अकाउंट में, जो मैंने इन्हें नया अपडेट कराया ताकि पैसे जो है मेरे अकाउंट में आ सके, समझे। दोस्तों मैं आपसे सिर्फ ये बात इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के साथ भी कहीं ना कहीं कोई ऐसा जो है मुलाकात रिप्रेजेंटेटिव की होती होगी, तो आप किसी इस तरह के धोखे में ना फंसें। और अकाउंट वो अगर क्रिएट भी करता है तो उसको प्रॉपर चेक करें कि आप जो है उसके अंदर नाम एड्रेस वगैरह सब कुछ आपका ओके है कि नहीं है। मेरा नाम एड्रेस वगैरह अभी तक नहीं है मेरे पास। अब उनके कई बार कॉल आ चुके कि आप अपना जो है हमें पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर सब जो है वो कराइए, हम अपडेट कर देते हैं। मैं उनसे अभी नहीं कर रहा, मैंने इसके लिए कंज्यूमर कोर्ट में भी केस डाल रखा है। कंज्यूमर कोर्ट वालों ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप RBI को भी मेल कीजिए ताकि इस तरह के आगे जो है इसके लिए रोक लगाई जा सके। इसलिए मैं आपसे जो है रूबरू हो रहा हूँ और आपको ये जो है अपने बारे में बता रहा हूँ। बस इतना ही मुझे कहना था। धन्यवाद।